टेक वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, ये जो पार्सल आप देख रहे हैं ये 3 दिन पहले अमेज़न से अराइव हुआ है और आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। और ये जो मॉड्यूल है उसके बारे में मैं ओपन करके बताऊँगा कि एक्चुअली में इसके अंदर है क्या। और इसका जो पैकिंग है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक बैग में किया गया है। इस मॉड्यूल में इस पैकिंग में दोस्तों एक प्रॉब्लम है, ये है कि अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड होते हैं, सर्किट बोर्ड होते हैं, तो अगर जो इस पर कोई स्ट्रेस पड़ता है तो ये बोर्ड जो है वो बेंड हो सकता है, तो इसको बॉक्स में ही भेजना ज़्यादा अच्छा रहता। तो चलिए, ओवरऑल जो भी हो, दोस्तों ये जो मॉड्यूल है वो आप देख पा रहे हैं कि ये एक फ्रीक्वेंसी काउंटर और क्रिस्टल टेस्टर है। तो फ्रीक्वेंसी काउंटिंग और ये जो क्रिस्टल टेस्टिंग का जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको डीप में बताने वाला हूँ। इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया गया है वो है PIC16F628। और फ्रेंड्स, ये जो देख रहे हैं और 7 सेगमेंट डिस्प्ले, इसमें टोटल 5 डिस्प्ले दिया गया है और पीछे जो है वो माइक्रो कंट्रोलर है और इसका जो बेस है वो भी दिया गया है। ये जो IC बेस है वो थोड़ा चीप क्वालिटी का है, लेकिन चलिए ठीक है। और दोस्तों ये DC जैक है और ये जो डायोड है, जेनर डायोड है, ये किसका क्या वैल्यू है मैं अभी देख के आपको बताता हूँ। दोस्तों ये 4148 जेनर डायोड है, जो बहुत ही फास्ट जेनर डायोड जिसको बोला जा सकता है। और ये 20 मेगाहर्ट्ज का क्रिस्टल ऑसिलेटर है। और ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं ये वेरिएबल कैपेसिटर है। और अदर जो कंपोनेंट्स हैं वो ये रेसिस्टर हो गया, फिर उसके बाद में ये भी कैपेसिटर है जिसका वैल्यू है 104। तो दोस्तों इस मॉड्यूल के बारे में बताना चाहूँगा कि ये फ्रीक्वेंसी काउंटर है जो बहुत एक्यूरेट है, इसका एक्यूरेसी टेस्ट हम लोग करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको असेंबल कर लेते हैं। दोस्तों असेंबली में सबसे पहले हम लोग ये जो रेसिस्टर्स है इनको असेंबल करना थोड़ा आसान रहता है, इसलिए सबसे पहले हम लोग बड़े कंपोनेंट से शुरू करेंगे, जैसे रेसिस्टर हो गए, फिर उसके बाद ये DC जैक हो गया, IC बेस हो गया, कनेक्टर पिन हो गया। इस तरह का जो पार्ट्स है उसको पहले असेंबल कर लेना चाहिए। उसके बाद ये जितने भी ट्रांजिस्टर्स हैं उन सभी को टेस्ट करके और असेंबल करना ठीक रहता है। इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को जनरली जो बीच वाला जो पिन होता है वो या तो प्लस होता है या माइनस होता है। तो पावर सप्लाई में आप 2.2 वोल्ट सेट कर लें और चेक कीजिए। अभी मैं नेगेटिव प्रोब जो है उसको लगाता हूँ बीच वाले पिन में और मैं टेस्ट करता हूँ। तो टेस्टिंग के दौरान होता देख सकते हैं कि ये सारे जो बल्ब्स हैं धीरे धीरे सभी जल रहे हैं। तो ये नेगेटिव इसका कॉमन है, तो यानी हम लोग इसको कॉमन कैथोड भी कह सकते हैं। असेंबली से पहले कुछ पॉइंट्स और आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप यहाँ पे जितने भी रेसिस्टर्स हैं 1K का जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आपको इस मॉड्यूल में जो आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगा हुआ है उसका ब्राइटनेस अगर सही तरीके से नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा और ज़्यादा ब्राइटनेस चाहते हैं, तो ये 1K को रिप्लेस करके कोई लोअर वैल्यू का जो रजिस्टर है उसका यूज कर लीजिए, क्योंकि ये सारे जो रजिस्टर का जो एरे है वो इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ड्राइव करने के लिए बनाया गया है और ये करंट को लिमिट करता है। तो आप इसको चेंज करके 1K से लोअर वैल्यू यानी 600 ओम 700 ओम का जो रजिस्टर है उसका यूज कर सकते हैं। और दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो रजिस्टर्स है उसको इस बोर्ड में लगाएंगे, तो उसके लिए ये जो कंपोनेंट टेस्टर है उससे हम लोग प्रॉपर जितने भी रजिस्टर्स हैं उसको चेक कर लेंगे। दोस्तों थ्रू होल जो कंपोनेंट्स है उसको सोल्डिंग करने का एक टेक्निक ये होता है कि सोल्डिंग जो टिप है वो तो पतला होना ही चाहिए, तो उससे थोड़ा देर के लिए हीट कीजिए और इस तरह से देखिए सोल्डर वायर जो होता है वो अंदर तक चला जाता है और अगले साइड से भी वो आराम से निकल जाता है। दोस्तों रेसिस्टर्स लगाने का तो वर्क कंप्लीट हो गया है, अभी हम लोग कैपेसिटर्स को लगाएंगे। तो कैपेसिटर्स को लगाने से पहले भी उसको भी चेक कर लें। तो उसको चेक करने के लिए मैं यूज़ करूँगा कंपोनेंट टेस्टर का। तो ये दोस्तों जो कैपेसिटर है वो 27 PF है। तो अभी हम लोग बोर्ड पे सर्च करेंगे कि ये 20 PF कैपेसिटर लगेगा कहाँ। देख सकते हैं कि ये 22 PF है, 22 PF है, 102 है, तो यहाँ पे ये लगने वाला है। उसी तरीके से फ्रेंड्स जितने भी कैपेसिटर्स हैं सभी का टेस्टिंग करके ही लगाइए। दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा कि जो डिस्प्लेज है ये 7 सेगमेंट उसको लगाने से पहले उसको चेक कर लें। तो उसको चेक करने का मैं तरीका बता देता हूं। मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं लेकिन उसका तरीका बता देता हूं। जो ये इसमें 5 पिन टोटल है, उसमें 5 पिन का जो सबसे सेंटर वाला जो पिन है वो हम लोग का कैथोड है यानी कि कॉमन है। जितने भी पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स का ये कॉमन है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लोग बारी बारी से पावर सप्लाई में आप जो वोल्टेज है उसको 2.2 या 2 वोल्ट के आसपास सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डॉटेड जो पॉइंट है उसको नीचे रखना है। दोस्तों हम लोग ट्रांजिस्टर्स को लगाएंगे, तो सारे ट्रांजिस्टर्स को चेक कर लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर्स को सोल्डरिंग करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हीट सेंसिटिव हो सकता है, तो आप थोड़ा इसको फास्ट सोल्डर कीजिए। फास्ट सोल्डर करने का एक और टेक्निक है कि इसका जो फर्स्ट लेग है उसको पहले सोल्डर कर लीजिए, फिर सेकेंड वाले पे आ जाइए, इससे जो हीट जनरेशन होगा वो कम होगा। फिर थर्ड वाले पे आ जाइए, फिर फर्स्ट वाले पे आ जाइए। तो ये नेक्स्ट पार्ट जो है वो है वेरिएबल कैपेसिटर, और इसको भी, ये भी बहुत हीट सेंसिटिव होता है, तो इसको भी अच्छे तरीके से जैसे मैंने बताया कि जितना फास्ट हो सके इसको सोल्डर कर लेना चाहिए। दोस्तों आईसी बेस जो है उसको सोल्डर करने से पहले ये जो कट मार्क आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे जो ये कट मार्क है उसको ये जो सर्किट बोर्ड में जैसा डायग्राम बनाया हुआ है उसके कट मार्क के तरफ ही उसको प्लेस करके और तभी सोल्ड कीजिए। और इसको सोल्ड करने से पहले जो ये फर्स्ट पिन है और ये लास्ट पिन जो है उसको बेंड कर दीजिए ताकि ये अपने प्लेस से ना हिले। इसका दोस्तों असेंबली कंप्लीट हो गया है और अब हम आईसी को इंस्टॉल करेंगे। तो जो आईसी का जो कट मार्क है उसको हम लोगों को आईसी बेस के कट मार्क के तरफ इंसर्ट करना है। जैसा दोस्तों इसमें पावर जो लिखा हुआ है वो DC 5 to 9 वोल्ट, तो हमें जो ये इसमें पावर जो देना है वो या तो 5 से 9 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। आइए दोस्तों इसको पावर अप करके देखते हैं। अभी दोस्तों हम लोग इसे पावर ऑन करेंगे। वोल्टेज दोस्तों हमने 6 रखा है और जो बीच वाला टर्मिनल है वो प्लस है, तो इसे प्लस पे लगाएंगे, और फर्स्ट वाला जो टर्मिनल है वो माइनस है। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम कर देता हूँ। अभी दोस्तों हम लोग एक क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसका टेस्ट करेंगे। दोस्तों ये जो फ्रीक्वेंसी काउंटर है उसका टेस्टिंग मैं भी कर रहा था, तो इससे ये पता चला दो तीन चीज़ जो है वो आप नहीं कीजिए तो अच्छा है। पहला जो पॉइंट है कि इसे पावर सप्लाई से पावर नहीं दें, इसको ये बैटरी से अगर इसको पावर देंगे तो ये काफ़ी अच्छा वर्क करेगा और अच्छे एक्यूरेसी के साथ वर्क करेगा। दोस्तों दूसरा जो पॉइंट है, ये दोस्तों फ्रीक्वेंसी को तो बहुत अच्छे तरीके से काउंट कर लेता है, लेकिन जहाँ तक इसका ऑसिलेटर सेक्शन है, और ऑसिलेटर सेक्शन मैंने फाइंड आउट किया कि ये ट्रांजिस्टर जो है वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांजिस्टर है, और ये जो देख सकते हैं आप, देखिए कितना ये अनस्टेबल है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इसका जो क्रिस्टल ऑसिलेटर वाला जो सेक्शन है वो बहुत ही अनस्टेबल है, यानी टेम्परेचर सेंसिटिव तो है ही और साथ साथ में ये वोल्टेज सेंसिटिव भी है। और जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो फ्रीक्वेंसी जो मेजर करता है वो बहुत ही अच्छा है। इसका मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों क्रिस्टल ऑसिलेटर जो है उसको मेज़र करेंगे। दोस्तों ये 14.7456 मेगाहर्ट्ज़ का है, तो आइए इसको मेज़र करते हैं। और दोस्तों ये क्रिस्टल ऑसिलेटर को ये भी रीड आउट करके बता रहा है 14.73, ये जो ऑसिलेटर है वो है 11.0592। आप देख सकते हैं दोस्तों ये रीडिंग जो है वो आइडेंटिकल है 11.059। हम लोग इस पर थोड़ा सा हीट अप्लाई करेंगे और हीट अप्लाई करके देखेंगे कि क्या रीडिंग चेंज होते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जो हीट अप्लाई करेंगे वो 300 डिग्री सेल्सियस का है, तो आप देख सकते हैं कि ये कितना टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अभी दोस्तों हम लोग इससे फ्रीक्वेंसी मेजर करेंगे और वो फ्रीक्वेंसी मैं आपको ऑसिलोस्कोप पे भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है 57.78 के बीच फ्लिकर कर रहा है, तो और ऑसिलोस्कोप में भी कुछ ऐसा ही रीडिंग है। तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी हम लोग बढ़ा के चेक करते हैं। दोस्तों ऑसिलोस्कोप पे रीडिंग आ रहा है 225 और जो हमारा फ्रीक्वेंसी काउंटर है उस पर भी कुछ ऐसा ही रीडिंग आ रहा है। तो ये जो एलईडी आप ब्लिंक करते हुए देख रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो रीडिंग है वो किलोहर्ट्ज़ में है। अगर ये जो एलईडी है वो स्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रीडिंग है वो मेगाहर्ट्ज़ में है। और ये जो सर्किट है उससे आप क्रिस्टल ऑसिलेटर को मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन जो वोल्टेज पावर जो होगा ना वो आपको बैटरी से देना पड़ेगा। आप पावर जो है वो पावर सप्लाई से डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। अगर पावर सप्लाई से डायरेक्ट पावर देते हैं तो फ्रीक्वेंसी तो काउंट हो जाता है, लेकिन जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है उसका जो रीडिंग है वो आप मेजर नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स।